एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज है फोर्थ दिन नवरात्रि का, तो आज का कलर है रॉयल ब्लू कलर है। जो मेरा जो कुर्ती है उसका भी ब्लू कलर है। तो नवरात्रि स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ वन बाय वन। जैसे जैसे मेरे पास दुपट्टे हैं उस हिसाब से ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो आज मैंने आज मैं करूँगी एंकरचिफ फेस कवर। तो एंकरचिफ मेरे पास दो हैं, उसका कलर भी दोनों का कलर है ब्लू, बट हल्का सा डिफरेंस हो सकता है दोनों कलर में, बट दोनों ही ब्लू कलर है। तो उस कलर से ही मैं आज करूँगी फेस कवर। और मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि मैम आप एंकरचिफ फेस कवर भी करो, तो मैंने वो भी लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास ये दो एंकरचिफ है, कलर का डिफरेंस हो रहा है बट कोई नहीं, ये दोनों ब्लू ही कलर है। तो पहले मैं इस वाले से फेस कवर करूँगी, मतलब फेस कवर मैं दोनों को कंपेयर करके ही फेस कवर करूँगी। तो पहले तो हम इसे इस तरीके से हेड को हम कवर करेंगे इस तरीके से। आप जब भी जो पंजाबी है उनको तो पता ही होगा, उन लोग इस तरीके से ही अपना हेड को कवर करते हैं। और लाइट भी चले गया है तो इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद हम इसे नीचे से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इजीली पीछे नॉट इजीली बांध सकते हो। एंकरचिप का भी लेंथ का भी अलग अलग डिफरेंस रहता है, कोई का लंबा लेंथ होता है, कोई का छोटा लेंथ होता है एंकरचिप का। तो इस तरीके का लुक बनकर आया है और काफ़ी प्यारा लुक है। लाइक भी करते जाइए मेरे चैनल को। आप लोग देख लेते पर लाइक करना आप भूल जाते हो, तो लाइक भी कर दीजिए। और ये लुक है मेरा फाइनल। अब सेकेंड स्टेप में हमें ये जो एंकरचिप है इसे हम बस नॉर्मली, मैंने इसे ना ऐसे हेड पर रखने के बाद नॉर्मली मैंने ना इसे नॉट बांधी, मतलब ये पीछे हो गया था क्योंकि काफ़ी लंबा एंकरचिप था ये वाला, और इसके लिए हो चुका था। मतलब दूसरा छोटा एंकरचिप होता तो नहीं हो पाता, बट ये हो चुका था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी ये जो एंकरचिप है इसे हम इस तरीके से ही करके, और लाइट भी आ चुका था तो मतलब गांव में तो प्रॉब्लम होता ही है लाइट का, कभी जाती है कभी आती है। तो ये वाला लुक भी बन गया है। तो इसमें ना पीछे पूरा हेयर भी कवर हो चुका है। और ये लुक आप मुझे कमेंट से बताइए आपको कौन सा स्टेप अच्छा लगा। तीसरा, तो तीसरे में हम इसे पहले हेड के यहाँ से पीछे हम नॉट नहीं बांधेंगे, हम बस कान के पीछे टक करने के बाद इसे इस तरीके से बांध लेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो बांध के आप जा सकते हो इजीली बाहर। और ये काफ़ी प्यारा लुक है। इनके में कलर भी ऐसे लग ही नहीं रहा, डिफरेंट कलर है, इक्वली लग रहा है दूर से देखेंगे तो। और पास में भी काफ़ी अच्छा लुक आया, आप देख सकते हो। और ये है लुक, आप नज़दीक से भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अब आएगा फोर्थ स्टेप में हम वही सेम सिंपल तरीके से हमने इसे पीछे टक किए हैं, क्योंकि ये वाला एंकरचिप से हम पीछे नॉट नहीं बांध सकते क्योंकि छोटा एंकरचिप है। एंड फिर बाद में ये वाले से हमने आगे की तरफ से इस तरीके से बांधने के बाद बहुत प्यारा लुक आया है। और मैंने आईब्रो के नीचे एंकरचिप को रखी थी तो ये भी लुक काफ़ी प्यारा है। अब है लास्ट स्टेप, तो लास्ट वाला हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से बांधेंगे। जो ये जिसको ना ही जिसे इस तरीके का लुक चाहिए तो उन लोग काफ़ी अच्छा इस तरीके से भी आप रह सकते हैं, पर आपको ऊपर बांधना है तो आप इस तरीके से बांध लीजिए। एंड देन नीचे के तरफ से मैं इसे नॉट बांध लूँगी। और ये देखिए मेरा ना ही आईब्रो दिख रहा है और नहीं मेरा आईस ही दिख रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को? सो गाइस, आपको डिफरेंट स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के ही बाजू बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, जो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं अपना वीडियो पोस्ट करूँ। सो बाय बाय।